यहाँ पे सोडियम जो होंगे उसकी अमाउंट कम होगी और यहाँ पे सोडियम के अमाउंट होगी ज़्यादा। अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पे 139 है मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, 139 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, तो यहाँ पे होगी 142 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अब ऐसे करते हैं हम यहाँ पे साथ साथ बनाना भी शुरू कर देते हैं। हमने यहाँ पे चार कैटाइन्स को देखना है, इनके चार पॉजिटिव चार्जेस को देखना है। कौन कौन से? पहले हम देखेंगे सोडियम, फिर हम देखेंगे पोटाशियम, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। उसके बाद हम कैल्शियम देखेंगे और लास्टली हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम। तो फिर हम शुरू करते हैं, पहले इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम, देन हम देखेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सोडियम, देन हम देखेंगे इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम के अमाउंट। यहाँ पे क्योंकि हमें पता है जो सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज फॉर्म, जो कि सोडियम को आउटसाइड फेंक रहे होते हैं और पोटाशियम को सेल के इनसाइड लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल कम होगी और आउटसाइड द सेल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें बेसिक पता चल गया। अब इनके अमाउंट्स को देख लेते हैं। अब यहाँ से बाहर फेंका जा रहा है तो यहाँ पर सोडियम की अमाउंट हमें मिलती है 14 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, 14 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर यहाँ पे हमें नज़र आएगी, हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे 139 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर नज़र आएगी। और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती हैं ये प्रोटीन्स नेगेटिव वाली, तो यहाँ पे 142 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर हमें नज़र आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम इनसाइड द सेल ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनसाइड द सेल ये होगा 140 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, और आउटसाइड द सेल क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस ने ज़्यादा होना है इसकी निस्बत, तो यहाँ पे होंगे 4 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर और इधर हमें ये नज़र आएंगे 4.2 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। थोड़ा सा फ़र्क है इनके दरमियान। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम तो जो है ना वो आउटसाइड द सेल ही हमें नज़र आता है, इनसाइड वो ज़ीरो होता है तकरीबन। ठीक है, इनसाइड हमें तकरीबन वो ज़ीरो नज़र आता है क्योंकि इनसाइड से कुछ काम नहीं होता, सिर्फ मसल सेल्स के अंदर हमें कभी कभी नज़र आता है। यहाँ पे ये ज़ीरो मतलब मसल सेल्स के अंदर होते हैं, बाकी नॉर्मल सेल्स के अंदर ऐसा कोई काम नहीं होता। यहाँ पे ज़ीरो और आउटसाइड द सेल क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा ज़्यादा होना, यहाँ पे कम, तो यहाँ पे 1.3 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर हमें नज़र आता है और यहाँ पे हमें नज़र आएगा 1.2 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अब हमारा लास्ट वाला रह गया है कैटाइन, तो उसको देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेल के अंदर ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे एंजाइम सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए को एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है, तो मैग्नीशियम जो है उनका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है मोस्टली, तो मैग्नीशियम इनसाइड द सेल 20 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होता है और आउटसाइड द सेल बहुत कम अमाउंट में होता है। यहाँ पे हमें नज़र आएगा 0.7 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर और यहाँ पे हमें नज़र आएगा 0.8 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। हमारे कैटाइन्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम एनाइन्स को देखते हैं। एनाइन्स भी हमारे पास चार ही होते हैं, क्लोराइड, उसके बाद आ जाता है बाइकार्बोनेट आइंस, देन हमारे पास फॉस्फेट आइंस और साथ में कुछ जो हैं ऑर्गेनिक एनाइंस वो हम देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स। ये चार एनाइंस को हम देखेंगे। पहले हम क्लोराइड को देख लेते हैं। तो क्लोराइड जो है तकरीबन इसकी कंपोजिशन सोडियम जैसी होगी क्योंकि क्लोराइड सोडियम को फॉलो करता है, जिधर सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे जो है क्लोराइड जाएगा। तो अगर सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप काम कर रहा है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, तो साथ साथ जो है क्लोराइड भी इसको फॉलो करेगा। अब इसे कंपोजिशन देख लेते हैं। इसका मतलब है कि अंदर इसे कंपोजिशन कम होगी और बाहर इसे कंपोजिशन जो है ज़्यादा होगी। इनसाइड द सेल इसकी कंपोजिशन जो है 4 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर हमें नज़र आती है और यहाँ पे जो है अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हैं तो यहाँ प्रोटीन जो है इसको रिपेल करेंगी, मतलब यहाँ पे इसे कंपोजिशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी और होगी 108 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर और यहाँ पे होगी 106 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। उसके बाद हम देख लेते हैं बाइकार्बोनेट आइंस को।
बाइकार्बोनेट आइंस, क्योंकि इन्होंने एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर ये मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और यहाँ पे इसकी अमाउंट जो होगी वो हमें कम नज़र आएगी। इनसाइड द सेल इसकी अमाउंट होती है 10 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कुछ इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस यहाँ पे होगी 28.3 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे इसकी अमाउंट होगी 24 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। देन इसके बाद हम देखेंगे फॉस्फेट आयन को। फॉस्फेट आयन ये सेल के अंदर इसकी अमाउंट क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि सेल के अंदर डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है तो वहाँ पे फॉस्फेट चाहिए होते हैं, डीएनए आरएनए तो वहाँ पे फॉस्फेट चाहिए होते हैं। सेल के अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और यहाँ पे होगी ये 11 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, और आउटसाइड द सेल इसकी अमाउंट कम होगी और तकरीबन 2 यहाँ पे होगी 2 मिलियोस्मोल्स और यहाँ पे भी 2 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। लास्टली हमारे पास आ जाती है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो हैं ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगी सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर डीएनए है तो उससे आरएनए बनेगा, देन ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और होती है 4 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, यहाँ पे होती है 4 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। और ये हमें पता है कि यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा होती हैं और इन स्पेसिस के थ्रू यहाँ पे नहीं आ रही होती, यहाँ पे प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम होगी और 0.2 मिलियोस्मोल्स पर लीटर होगी, और यहाँ पे जो प्रोटीन की अमाउंट होगी वो 1.2 मिलियोस्मोल्स पर लीटर होगी। इससे हमने कंक्लूड ये किया कि इनसाइड द सेल पोटाशियम सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है फॉस्फेट, मैग्नीशियम एंड प्रोटीन भी होते हैं, फॉस्फेट, मैग्नीशियम एंड प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो आपने यह बात याद रखनी है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हमें पोटाशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और प्रोटीन ज़्यादा नज़र आती हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमें सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयंस और साथ में इसके कैल्शियम ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये जनरल बातें आपने याद रखनी है। इनसाइड जो है और इनमें से भी इनसाइड सबसे मेन ड्राइवर जो है वो पोटाशियम है, और आउटसाइड जो है मेन ड्राइवर हमारे पास सोडियम होता है। और वैसे भी हम सेल को जो है वो पैकेट्स ऑफ पोटाशियम आइंस कहते हैं, सेल के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अब ये देखें कि ये यहाँ पे मैंने लिम्फेटिक्स ड्रॉ की हुई हैं। अब क्योंकि जब यहाँ पे ब्लड रन कर रहा होता है तो ब्लड से जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा फ्लूड जो है वो बाहर आ जाता है, यहाँ से रश आउट हो जाता है, तो इसको वापस ले जाने के लिए, क्योंकि अगर ये सिस्टम ना हो लिम्फेटिक तो यहाँ पर एडिमा डिवेलप हो जाता है, तो ये जो है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ्लूड आ जाता है उसको वापस जो है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा के अंदर लेके चला जाता है। और ये जो प्रोटीन्स की वजह से हमने यहाँ पे कहा है कि पॉजिटिव चार्जेस की तरफ ज़्यादा आएंगे और ये रिपेल करेगा नेगेटिव चार्जेस को, इस फेनोमेना को हम डोनांस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यही है कि जहाँ पर ये चार्ज होगा प्रोटीन होगी तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपने इसका भी नाम याद रखना है। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसके फ्लूइड की मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। अब पूरी बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकाल के उसको मेजर करना तो इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। इस मेथड को मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगी। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक सिरिंज लेते हैं, इस सिरिंज के अंदर जो है ना, मेरी ज़रा ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर हमने एक सिरिंज ली है, इस सिरिंज के अंदर हम जो है सिरिंज के अंदर हमने इंडिकेटर लिया हुआ है, यानी कि एक कलर्ड सब्सटेंस है। अगर हम इसको मैस ए कंसीडर करें, यहाँ पे मैं लिखूँ इंडिकेटर मैस ए, हमें पता है मैस का फार्मूला क्या होता है, इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई आ जाता है कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ मैस ए और कंसंट्रेशन ऑफ मैस ए इसके अंदर आ जाती है। अगर सपोज मैं करूँ कि यहाँ पर जो मैंने वॉल्यूम लिया है वो लिया है 1 ml, और जो कंसंट्रेशन इस सिरिंज के अंदर इंडिकेटर की है वो है 10 mg/ml, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो इसका मैस मेरे पास बनेगा 10 mg। ये हो गया इंडिकेटर ऑफ मैस जो कि मैंने इस सिरिंज के अंदर लिया था। इसको फिर हम डाल देते हैं, एक हमारे पास ये बीकर है जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पे वाटर है,
सिंपली इसके अंदर हमने इस सिरिंज के मैस को डालना है, इस तरह से डालना है। इस इंडिकेटर की एबिलिटी ये होनी चाहिए, तीन इसकी खसूसियात होती हैं। एक तो ये कि ये इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये नहीं कि एक जगह पे चिपक जाए ये जाके, बल्कि देखें जैसे मैं यहाँ शो कर रही हूँ इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंडली जो है इसके जो इसके इसे उसी कंपार्टमेंट के अंदर रहना चाहिए जिसको हमने मैयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस बीकर के अंदर मैयर करना है तो इसको यहाँ से मतलब इसके अंदर ही रहना चाहिए। और तीसरा ये इसकी एक्सक्रीशन नहीं होनी चाहिए यहाँ से, या इस ये यहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म शुरू ना हो जाए। तो इसको जब मैं बॉडी हमारे बॉडी कंपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करूँगी तो आपने याद रखना है, पहली इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये डिस्पर्स होगा इवेंटली। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इवेंटली डिस्पर्स होना है, इसे इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसके बाद यहाँ पे इसे इसी फ्लूड के अंदर यानी कि जिस कंपार्टमेंट के अंदर डालें उसी कंपार्टमेंट के अंदर रहना चाहिए, ठीक है, रिमेन ओनली इन कंपार्टमेंट। और लास्ट वन नॉट एक्सक्रीटेड और मेटाबोलाइज्ड, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होनी चाहिए। तो मैंने इसके अंदर डाल लिया। अब जब ये बीकर के अंदर आया यहाँ पे इसके मैस को मैं बोलूँगी मैस बी, ठीक है। यहाँ पे इसके मैस को क्या बोलूँगी मैं, इंडिकेटर मैस बी। अब इसके अंदर यहाँ पे मुझे इसकी इसकी कंसंट्रेशन तो मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ। मैं इतने से कंपार्टमेंट को इतने से फ्लूड को यहाँ से निकाल लूँगी और इसकी कंसंट्रेशन मैं फाइंड कर लूँगी। इसका मैस जो है मैस तो सेम रहना होता है क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ मैस है उसके अकॉर्डिंग मैस जो है वो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसे ना ही दोबारा और बना सकते हैं। तो मैस तो यहाँ पे कंजर्व रहेगा, यानी कि जो कि मैंने एक मैस निकाला था 10 mg वही मैस जो है बी का होगा। और कंसंट्रेशन जो है मैं यहाँ पे फाइंड कर लूँगी, कंसंट्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने निकाली है 0.01 mg/ml, ठीक है, ये इसी कंसंट्रेशन मैंने निकाल लिया। अब लॉ ऑफ मैस ऑफ एक्शन के हिसाब से यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ मैस ए जो है वो बराबर हो जाएगा इंडिकेटर मैस बी के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने निकाला था मैस ए का वो था 10 mg और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मुझे पता है और इसका जो वॉल्यूम है मुझे नहीं पता, और यही हम बॉडी फ्लूड वॉल्यूम हमने फाइंड करना है इसी प्रिंसिपल के यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे एक्स को फाइंड कर सकती हूँ, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है। अब एक्स को यहीं रहने दें और इसको यहाँ पे जाके डिवाइड कर दें, यहाँ पे हमारे पास आंसर इससे क्या आ जाएगा 1000 ml, ठीक है। इस तरह से हमने वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं। अब यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं अपने बॉडी कंपार्टमेंट के ऊपर। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है वो इंट्रावास्कुलर फ्लूड के थ्रू ही होती है, इनपुट भी यहीं से होगी और आउटपुट भी यहीं से होगी। तो जो भी मैंने इंडिकेटर डालना होगा मैं इंट्रावास्कुलर फ्लूड के अंदर डालूंगी। हमने यहाँ पे चीज़ें मैयर कौन कौन सी करनी है उसको पहले हम देख लेते हैं। हमने टोटल बॉडी वाटर पहले तो मैयर करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कितना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूड कितना है। और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड हमें पता चल गया है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में इंट्रावास्कुलर फ्लूड कितना है और इंटरस्टिशियल फ्लूड कितना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। इसके लिए अब इंडिकेटर डिफरेंट होंगे। इंडिकेटर क्योंकि हमने इसकी खासियत के अंदर पढ़ा है कि जिस कंपार्टमेंट के लिए हमने मैयर करनी है इसे उसी कंपार्टमेंट के अंदर रहना चाहिए। तो अगर हम टोटल बॉडी वाटर को मैयर करना चाहते हैं तो हम इस तरह का इंडिकेटर लेंगे जो कि इस पूरी टोटल बॉडी के अंदर जा रहा हो। वो चीज़ कौन सी है, हमारे जहन में फ़ौरन वाटर आता है क्योंकि वाटर पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल वाटर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ड्यूट्रियम एंड ट्रिट्रियम जो कि पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से फैल जाए। इसके अलावा ड्यूट्रियम एंड ट्रिट्रियम के अलावा हम एंटीपायरिन भी ले सकते हैं, एंटीपायरिन लिपिड सोल्यूबल है। तो मेन मसला तो ये होता है कि सेल के अंदर चीज़ का जाना, तो सेल के अंदर वो जा सकती है क्योंकि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकती है लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से। तो यहाँ पे मैं ब्राउन कलर से लिखूँगी हम कौन कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम ड्यूट्रियम यूज़ कर सकते हैं, ट्रिटियम या ट्राइट्रियम जो भी आप कहते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीपायरिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल बॉडी वाटर
हमने मैयर करना है तो हम ड्यूटियम, ट्रीटियम और एंटीपायरिन, और रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, वाटर हर जगह जा सकता है और एंटीपायरिन भी लिपिड सोल्यूबल है, इस वजह से क्रॉस कर सकती है। सेकेंड, अगर हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड को मैयर करना है तो उसके लिए हम ऐसी चीज़ लेंगे जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड तक कंजर्व रहे और इधर ज़्यादा डिफ्यूज़ ना करे। तो ये कौन सी चीज़ हम यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि उसे हमने यहीं तक महदूद रखना है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड तक। तो इसे मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ। हमें पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में मेन कंपोनेंट सोडियम है। नॉर्मली सोडियम 23 होती है, लेकिन हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव 22 सोडियम को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इनोलिन भी ले सकते हैं, क्योंकि इनोलिन भी सेल को क्रॉस नहीं कर सकती, सेल मेम्ब्रेन को। इनोलिन ले सकते हैं, मैनीट्रोल ले सकते हैं। इसके अलावा थायोसल्फेट भी यूज़ होता है। तो ये आपने ये चार चीज़ें याद रखनी हैं, थायोसल्फेट, सोडियम, इनोलिन एंड मैनीटू। लेकिन जो है कुछ सोडियम हमें पता है कि वो इंट्रासेलुलर फ्लूड के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ऑल्दो यहाँ पे जो है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप काम कर रहा होता है, सोडियम को बाहर फेंक रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे डिफ्यूज़ कर सकती है। इस वजह से हम सोडियम और इनोलिन की वजह से जो हम फाइंड करते हैं, सोडियम और इनोलिन की वजह से, इसे हम एग्जैक्ट नहीं करते, बल्कि हम इसे कह देते हैं सोडियम स्पेस एंड इनोलिन स्पेस, क्योंकि कुछ अमाउंट के अंदर इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती, बल्कि हम इसे सोडियम स्पेस और इनोलिन स्पेस कह सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड हमने इस तरह से मेजर कर लिया।